550 साल का जो तपस्या था आज रंग लाई है, ये तो हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि हम लोग जा रहे हैं और इसके लिए तहे दिल से जी बड़े भाई ऋतुराज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के लिए ये व्यवस्था की है। रविशंकर प्रसाद से बख्तियारपुर की जनता, पटना साहिब की जनता, फतुहा की जनता, खुसरूपुर की जनता खुश है, कुछ बदलाव चाह रही है पटना साहिब में? जी बदलाव चाह रही है, अनुकूल नहीं है, बहुत हर्ष के साथ जनता चाह रही है बदलाव। हाँ, क्योंकि जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कुछ क्षेत्र के लिए किया नहीं। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि ऋतुराज सिन्हा को मिले टिकट? मिले जी हाँ। युवा है? हाँ युवा है, कर्मठ है और जनता के प्रति उदार। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाहते हैं। पटना साहिब की जनता बदलाव? बिल्कुल, पटना साहिब की जनता बदलाव चाहती है। वो राज्यसभा के लायक सही व्यक्ति हैं, लेकिन लोकसभा के लिए सही व्यक्ति इसलिए नहीं है कि जनता को कार्य चाहिए और कार्य करने में अच्छा। हमारे सांसद महोदय को कम से कम इस विषय को या वहाँ की स्थानीय जनता की जो समस्याएं हैं उसको बिल्कुल खुल करके मांग करना चाहिए, तो कभी नजर नहीं आते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनका कम से कम बदलाव किया जाए। एक पापी के नाम पर हम जिस नगर से जा रहे हैं, अगर इसका नाम संसदीय जो है प्रणाली के अंतर्गत अगर परिवर्तन किया जाता तो आज हम लोगों के लिए भी एक गौरव का विषय। यहाँ बीजेपी कोई भी प्रत्याशी भेजेगी हम लोग हमेशा से उन्हें जीत का माला पहना है और आगे भी पहनाते आएंगे। बीजेपी इस सीट के लिए निश्चिंत रहे, थोड़ा परिवर्तन हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है, बस यही उम्मीद है और पार्टी नेतृत्व से भी यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दे। देखिए इस वक्त हम ट्रेन में हैं और यह सफर जो है उसका परिणति अयोध्या है। हम अयोध्या की तरफ निकल पड़े हैं। बख्तियारपुर जंक्शन से आस्था एक्सप्रेस खुली है। ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किए हैं। सिर्फ पटना या बख्तियारपुर का ये मामला नहीं है, कई जगहों से कई ऐसे नेता हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी से जो अलग अलग जगहों से ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। अब देखिए जो खबर हम तक आई कि पूरी ट्रेन जो है करीब 22 बोगियों को ऋतुराज सिन्हा ने बुक किया, इसमें जो श्रद्धालु हैं खासकर बख्तियारपुर और फतुहा इलाके से जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर भी जो लोग हैं इन्हीं से पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू कुमार सिंह। शंभू कहाँ जी से, कहाँ से हैं? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से आ रहे हैं। भाड़ा उड़ा भी लगा है इसका? नहीं नहीं, भाड़ा नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। नाश्ता उस्ता भी आया था? नाश्ता का नाश्ता पानी चाय सब चल रहा है। पैसा नहीं लिया गया है इसका? पैसा नहीं लिया गया। अयोध्या जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। सभी लोगों को त्रिपुंड भी लगाया गया, हमको भी लगा दिया गया। अच्छा, ये तो भक्ति का है ना, ये तो सनातनी का जो है पहचान है। ऋतुराज सिन्हा के बारे में क्या कहना है? खैर आप क्या कहना है, उनके अति ये अच्छी से जो हम जा रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या कहना है। चलिए ठीक है, आ जाइए, हम और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर कि जो ट्रेन खुली है आस्था एक्सप्रेस और ये अयोध्या की तरफ जो यात्रा है वो बढ़ रही है। ये सभी लोग जितने भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रभूषण पांडे। क्या नाम हुआ? चंद्रभूषण पांडे। चंद्रभूषण पांडे, सफर मजा आ रहा है? हाँ ठीक ठीक है। कोई भाड़ा उड़ा लिया गया आप लोग से? नहीं नहीं लिया गया। तो और भी जो श्रद्धालु हैं जो अयोध्या जा रहे हैं, खुश हैं आप लोग अयोध्या जा रहे हैं? एकदम खुश हैं, ये तो हमारा स्वाभिमान है। 550 साल का जो तपस्या था आज रंग लाई है, ये तो हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि हम लोग जा रहे हैं और इसके लिए तहे दिल से जी बड़े भाई ऋतुराज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के लिए ये व्यवस्था की है। करेंगे आगे क्या है, कल दर्शन भी करना है? जी जी बिल्कुल, सारी व्यवस्था कर दी गई है, आज शाम में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, कल सुबह दर्शन वगैरह पूजा करके फिर वापस हम लोगों की वापसी इसी ट्रेन से भैया के तरफ से ही कर दी गई है। कल शाम में हमारी भी वापसी है, चूँकि हम भी साथ जा रहे हैं, तो 10 बजे से ट्रेन है कल? जी रात्रि को 10 बजे है उधर से वापसी। इसके लिए रेल प्रशासन को भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। तो क्या माहौल लग रहा है, आप लोग तो खैर हमको लगता है बीजेपी समर्थक ही है, देश में क्या माहौल लग रहा है इस बार जो 370 का दावा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से 400 सीट एनडीए का बोला जा रहा है, सच्चाई है धरातल पर? देखिए आप जब धरातल में जमीन पे लोगों के पास जाइएगा तो भले ही वो आपको ऑन द कैमरा नहीं बोले ये बात, लेकिन
ऑफ द कैमरा सारे लोगों के दिल में यही विश्वास है कि मोदी के सिवाय हमारी जो उम्मीद है, हमारा जो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत और जो एक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो सपना है वो केवल मोदी के नेतृत्व में ही पूरा हो सकता है। अभी हमें और कोई नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोग तो ये जो क्षेत्र है बख्तियारपुर, मुझे लगता है पटना साहिब लोकसभा में पड़ेगा, यहाँ पर भी लोग संतुष्ट हैं बीजेपी से, कुछ बदलाव चाह रहे हैं, चूंकि सुझाव भी मांगा जा रहा है जनता से? देखिए, ये सीट बीजेपी का कन्फर्म सीट है, यहाँ बीजेपी कोई भी प्रत्याशी भेजेगी हम लोग हमेशा से उन्हें जीत का माला पहनाया है और आगे भी पहनाते आएंगे। बीजेपी इस सीट के लिए निश्चिंत रहे। रही बात जहाँ तक उम्मीदवारी की, तो देखिए हर बार थोड़ा चेंज हो तो अच्छा लगता है। आप डेली डेली के डेली दाल भात खाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा परिवर्तन हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यही उम्मीद है और पार्टी नेतृत्व से भी यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दे पार्टी नेतृत्व से बदलाव की भी। एक जो कई सीटों पर हमने ऐसी चर्चा की है, कई ऐसे सीट हैं जहां पर कुछ बदलाव जो है वो जनता चाह रही है। और भी जो लोग हैं, अच्छा तो सर तो फोन पे लगे हुए हैं, सर थोड़ा सा बैठने दिया जाए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विद्या विनोद। विद्या विनोद कहां से है? हम बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से, ठीक है। खुश हैं इस यात्रा से? पहले सवाल, यात्रा से तो खुश हैं, लेकिन जहां से गाड़ी खुली है हम खास करके संसदीय क्षेत्र के लोगों से, माने एक तरह से कहिए कि आह्वान करते हैं कि जो बख्तियारपुर नाम है हम लोगों का जो है एक अपमानजनक नाम है, और आस्था गाड़ी खुली है तो बख्तियारपुर के कारण जो समाज के बीच में अनास्था फैल जाता है कि एक पापी के नाम पर हम जिस नगर से जा रहे हैं, अगर इसका नाम संसदीय जो है प्रणाली के अंतर्गत अगर परिवर्तन किया जाता तो आज हम लोगों के लिए भी एक गौरव का विषय। सांसद से बात किए इस मुद्दे पर? रविशंकर जी आप लोगों के सांसद हैं ना, रविशंकर प्रसाद जी? हम तो रविशंकर बाबू से भी इसकी चर्चा किए हैं और इसके लिए आंदोलन भी 1984 से हम चला रहे हैं कि खास करके उस पापी के नाम से जिसने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय को जला करके खाक किया था, और उसके नाम पर अगर हमारे नगर का नाम है तो ये हम लोगों के लिए जो है बहुत ही शर्म की बात है। भाई तो बीजेपी तो पार्टी ही जानी जाती है नाम बदलने के लिए। पूरा यूपी में कई जगह का नाम बदल दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया, नाम बदलवा लीजिए इसका जी। ऐसे विधानसभा में भी इस विषय को उठाया गया है और संसद में भी इस विषय को उठाया गया है अपने बिहार के ही सांसद महोदय के द्वारा, और हम आशा उम्मीद लगाते हैं कि अभी नहीं तो जो अगला जो चुनाव होने वाला है और उसमें जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था अगर आती है तो हम पहला मुद्दा हम मानेंगे अपने संसदीय क्षेत्र से, मांग करेंगे अपने सांसद महोदय से कि बख्तियारपुर का नाम बदल करके जो है मगध द्वार कम से कम किया जाए। अगले सांसद क्या बात कर रहे हैं जी? रविशंकर प्रसाद से बख्तियारपुर की जनता, पटना साहिब की जनता, फतुहा की जनता, खुशरूपुर की जनता खुश है, कुछ बदलाव चाह रही है पटना साहिब में जी? बदलाव चाह रही है, अनुकूल नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, वहाँ की जनता के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद महोदय को कम से कम इस विषय को या वहाँ की स्थानीय जनता की जो समस्याएं हैं उसको बिल्कुल खुल करके मांग करना चाहिए, तो कभी नजर नहीं आते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनका कम से कम बदलाव किया जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र का जो है कोई नए अगर सांसद के रूप में अगर पेश होते हैं वहाँ से प्रत्याशी के रूप में तो हम लोग उनके साथ होंगे। बीजेपी के वोटर हैं आप और चेंज चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो जब से वोट देने का अधिकार मिला है, चूंकि संघ की शाखाओं में हम लोगों को जो है बताया जाता है राष्ट्र धर्म की बात, तो स्वाभाविक है, और हम लोग तो खास करके धार्मिक विषय को लेकर करके जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक है जो राष्ट्रभक्त होगा उसको हम लोग वोट देंगे। जो बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाहते हैं। पटना साहिब की जनता बदलाव? बिल्कुल, पटना साहिब की जनता बदलाव चाहती है। आप संघ की शाखा में भी गए? हम संघ की शाखा में गए, 84 से विश्व हिंदू परिषद का दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में रहे, और वर्तमान समय में अभी देख लीजिए कि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अयोध्या धाम जाने का मौका मिला है, हम उसके लिए एकदम खुशी लग रहा है कि हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, हम अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, रामलला हमारे आराध्य हैं, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, ये खुशी अभी मार्ग में जब मिल रहा है तो वहाँ जा करके कितनी खुशी मिलेगी ये आप कल्पना कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए तो जनता खुश भी है कि अयोध्या जाने का मौका मिल रहा है, जो इनके आराध्य हैं प्रभु श्री राम उनसे। अच्छा, बाबा भी बात करेंगे, बाबा बुला रहे हैं, चलिए तो आप चुप कर जाइए, इधर इधर आ जाइए, आप इधर भी हम बात करेंगे। नाम बता दीजिए पहले बाबा अपना। डॉक्टर सुरेश द्विवेदी,
सुरेश द्विवेदी विश्व हिंदू परिषद के, अच्छा आप भी विश्व हिंदू परिषद से हैं। चलिए तो देखिए संघी लोग से मुलाकात हो रहा है, संघ के लोगों से बहुत मजा आता है बात करने में आप लोगों से। क्या कहना है, कैसा लग रहा है पहले अयोध्या या रास्ते में आप पहुँचने वाले हैं? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, अपार हर्ष है। अभी 8 दिन पहले हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद की वहाँ बैठक थी कार सेवक पुरम में, हम केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं, तो बैठक से आए हैं, लेकिन फिर यह अवसर मिला तो फिर मैं जा रहा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि साक्षात भगवान श्री राम वहाँ विद्यमान है। चलिए अखरा पटना साहिब लोकसभा से आते हैं आप भी? जी पटना साहिब लोकसभा से आते। अभी ये जो सज्जन है ये बता रहे थे कि थोड़ा बदलाव जो है वो जनता चाह रही है बीजेपी से, इस बार सहमत है उस बात से? बहुत सहमत हैं और बहुत हर्ष के साथ जनता चाह रही है बदलाव। हाँ, क्योंकि जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कुछ क्षेत्र के लिए किया नहीं है। लेकिन बीजेपी उन पर 2019 में भरोसा जताई थी रविशंकर प्रसाद पर? भरोसा उस समय जताई थी, लेकिन वो पहली बार सांसद लोकसभा से हुए हैं। जी उसके पहले वो राज्यसभा, वो राज्यसभा के लायक सही व्यक्ति हैं, लेकिन लोकसभा के लिए सही व्यक्ति इसलिए नहीं है कि जनता को कार्य चाहिए और कार्य करने में अक्षम। तो बीजेपी किसको लाएगी भाई पटना साहिब से? कहा था कि पटना में नेताओं की कमी है, मतलब बाकी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में नेता ज्यादा बनते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में नेता की कमी नहीं है, सब कार्यकर्ता है, और किसी अच्छे कार्यकर्ता को जो जनता के लिए समर्पित है और जनता के हित में कार्य करती है, जो अभी दिखलाई दे रहा है, हम देख ही रहे हैं कि किनके सौजन्य से हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, अगर उनको मिलता है तो बहुत खुशी की बात होगी। हमको लगता है कि मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि रुद्रा सिन्हा को मिले टिकट? मिले जी हाँ, युवा है, हाँ युवा है, कर्मठ है और जनता के प्रति उदार उदार है, उदार है जी हाँ। चलिए तो फिर अयोध्या अभी तो रहा, कल तो दर्शन भी होगा आप लोग का? जी निश्चित होगा दर्शन। हाँ, और हम लोग आज से नहीं, जिस समय मुलायम सिंह यादव द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी उस समय भी हम दोनों आदमी वहाँ अयोध्या में थे। 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा टूटा था उस समय भी हम दोनों आदमी थे, और आज रामलला जब वहाँ विद्यमान हो गए हैं तब भी दोनों आदमी ये दूसरी बार यात्रा कर रहे हैं। राम नैया पार लगा पाएंगे इस बार? बेरोजगारी का मुद्दा, राहुल गांधी घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, बेरोजगारी, पेपर लीक, कई तरह के मामले उठा रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं कि भाई युवा बेरोजगार रहेगा तो मंदिर क्या काम करेगा? जी मंदिर जो है, मंदिर से वहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। अगर जिनको नहीं विश्वास है वे जा करके देखे कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है। तो वहाँ ये मंदिर जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से ही रोजगार मिलेगा, धर्म के साथ रोजगार मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऋषि मुनि महात्माओं के देश में बसते हैं और यहाँ अध्यात्म और धर्म को जोड़ करके ही हम रोजगार पाएंगे। केवल वह रोजगार नहीं कि अपना पेट भर लिए। काशी और मथुरा पर भी होना शुरू हो गया है, काशी और मथुरा पर? जी हम लोग तो ये माननीय योगी जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम, तो हम तो 3 ही मांग रहे हैं, काशी मथुरा और अयोध्या। तो मिल गया, अयोध्या तो मिल गया, लेकिन अब काशी मथुरा बाकी है। अभी तो ये झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है, बहुत पहले से नारा लगाते आ रहे हैं, तो अब काशी मथुरा भी हमको मिल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं, हमको लगता है, पूरा विश्वास है कि काशी और मथुरा भी मिल जाएगा। चलिए तो फिर अगली खबर के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन लोगों का आस्था है और खासकर जब आपको विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मिलते हैं तो चर्चा ऐसी ही होती है, लेकिन पटना साहिब को लेकर, चूंकि ये यात्रा जो है वो पटना साहिब से है, फतवा, खुसरूपुर और बख्तियारपुर जैसे इलाके के लोग बैठे हुए हैं, जनता जो है वो थोड़ी बदलाव जरूर चाह रही है, चाह रही है कि एक नया नेतृत्व मिले। रविशंकर प्रसाद ने जो किया सो किया, लेकिन अब बीजेपी एक नए चेहरे के तलाश में लगे और पटना साहिब से एक नया प्रतिनिधित्व मिले, ताकि जो बचे हुए मामले, जैसे बख्तियारपुर का नाम बदलना एक बड़ा मामला है, विधानसभा में भी मामला उठ चुका है, तो जनता थोड़ा बदलाव जरूर चाह रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।